हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लास बांसुर क्लास 10th। वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल सी फिगर। प्रूव दैट एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। फिगर हमारे पास गिवन है। इन अकॉर्डिंग टू द फिगर वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स बी पॉइंट से अगर ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए बी क्यू एंड बी क्यू तो ये क्या होगी, इक्वल। ऐसे सी पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी, ऐसे डी पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी, ऐसे ए पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। तो वन बाय वन नोट करते हो चले इसको। देन BP इज इक्वल टू BQ, सेम क्वेश्चन फर्स्ट। देन AP इक्वल टू AS, सेम क्वेश्चन सेकेंड। देन CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ, सेम क्वेश्चन थर्ड। एंड DR इक्वल टू DS, BR इक्वल टू DS, सेम क्वेश्चन फोर। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आफ्टर दैट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, आफ्टर दैट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एड करेंगे इसको फोर इक्वेशंस को। बीपी प्लस एपी प्लस सीआर प्लस डीआर इक्वल टू बीक्यू इक्वल टू प्लस एएस इक्वल टू सीक्यू प्लस डीएस। ऐड करने का रूल हमें पता ही है, एलएचएस साइड में ऐड होता है, आरएचएस आरएचएस साइड में ऐड होता है। तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे इसके, बीपी प्लस बीक्यू के कॉम्बिनेशन बनेगा, बीपी प्लस पीए एपी के कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, ताकि हम इसको कंप्लीटली राइट कर सके एबी। तो इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे बीपी प्लस एपी, एक ब्रैकेट में नोट कर दिए इसको। ऐसे ही हम सीआर एंड डीआर का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगी, सीआर प्लस डीआर का एक कॉम्बिनेशन बन गया इज इक्वल टू। ऐसे ही हम इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे बीक्यू प्लस क्यूसी के, बीक्यू एंड सीक्यू के, बीक्यू प्लस सीक्यू एक कॉम्बिनेशन, एंड एएस प्लस डीएस सेकंड कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन बनाने के बाद बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी को हम डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, एबी। तो इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं एबी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर डायरेक्टली वी कैन से सी डी, तो हम इसको सी डी राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं बी सी। देन वी कैन राइट बी सी प्लस एंड ए एस प्लस डी एस को, ए एस प्लस डी एस वी कैन से एडी, एडी। देन एबी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस एडी, हैंस प्रूव। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी,
एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पर एंड एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पर. देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए ओ बी क्या हो? 90 डिग्री. ए ओ बी इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है. वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होगी? इक्वल. इट मीन्स ए पॉइंट से अगर हम ये टेंजेंट ए पी ए और पी सी वो सॉरी ए सी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी. देन पी ए इक्वल टू ए सी. सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है. एन ट्राइंगल पी ए ओ एन ट्राइंगल ओ ए सी में, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल ओ ए सी, दोनों ट्राइंगल की बात करें हम तो पी ए इक्वल टू ए सी, पी ए इक्वल टू ए सी जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड. एंड ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों ट्राइंगल में ओ ए कॉमन साइड है, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, दोनों साइड कॉमन है. एंड ओ पी इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल, ओ पी इक्वल टू ओ सी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल. Then we can say that triangle PAO congruent triangle OAC, PAO and triangle OAC congruent होंगे by triple S rule, by triple S rules. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद वी कैन से दैट एंगल पी ओ, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से ही दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंड वी कैन ऑल्सो से एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इज डबल ऑफ एंगल पी ए ओ, इज डबल ऑफ एंगल पी ए ओ और एंगल सी ए ओ, डबल ऑफ एंगल सी ए ओ. से इक्वेशन फर्स्ट, से इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली एंगल क्यू बी ओ, एंगल क्यू बी ओ, सिमिलरली एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ और एंगल सी बी क्यू, और एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल टू सी बी ओ, टू एंगल सी बी ओ और इक्वल टू एंगल टू क्यू बी ओ, टू एंगल क्यू बी ओ. से इक्वेशन सेकेंड, से इक्वेशन सेकेंड. नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को एड करेंगे, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ प्लस टू एंगल सी बी ओ. नाउ ओपी एंड ओबी, ओपी एंड ओ क्यू आर रेडियस ऑफ सर्किल एंड एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई टेंजेंट ऑफ सर्किल, सो दैट एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दोनों 90 डिग्री के होंगे, इट मीन्स 180 डिग्री.
तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस करके 180 डिग्री पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल सी ए ओ प्लस 2 एंगल सी बी ओ। 2 कॉमन लेंगे हम, टेक 2 कॉमन सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो किस में चली जाती है, डिवाइड में। एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। नाउ ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल ओ ए बी। नाउ ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी बी ओ 90 डिग्री अभी हमने प्रूव किया था, तो पुट करेंगे इसकी वैल्यू 90 डिग्री। देन 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री। सो दैट एंगल एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। इसके बाद जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 10.2 का ही क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। थैंक यू।